तो इस वीडियो में हमारा PNL देखेंगे और काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि आप इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हो। तो मैं जिस स्टॉक की कोई न्यूज़ आने वाली होती है वो लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, या कोई वॉल्यूम जिसमें ज़्यादा हो कम ज़्यादा हो रहा हो ऐसे स्टॉक मेरी रडार पर रहते हैं, तो वो मैं मनी कंट्रोल पर सर्च कर देखता हूँ न्यूज़ की बेस पे या वॉल्यूम शॉकर्स में देखता हूँ। अगर आपको इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा तो चलिए हम हमारा PNL देखते हैं। तो इस अप्रैल मंथ में जो हमने किया है, इस मंथ में हमारा एक भी दिन लॉस नहीं है, और ये लॉस ना होने का कारण एक ही है, तो ये घनश्याम सर का रूल है, तो मैंने अपने रूल में ये ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 4000 का प्रॉफिट बनाया है और चार्जेस हमारा टोटल 1.6.5 के 1600 या 1700 के आसपास हमारा चार्जेस लग गए हैं, और नेट हमें जो प्रॉफिट मिला है वो 2200-2300 रुपये मिला है। और यह देखिए, आप बहुत ही छोटी एक क्वांटिटी, पांच क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया है, लगभग मैंने 10 से 15 हज़ार ही इसमें कैपिटल यूज़ किया है, ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम नहीं था इस महीने में, तो ये मैं ट्रेडिंग मेरा पार्ट टाइम जॉब है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ घनश्याम सर का कौन सा रूल है जो मैंने ऐड किया है और इस मंथ में मुझे एक भी दिन लॉस नहीं हुआ। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसका विनिंग रेट भी ज़्यादा है, लेकिन क्या होता था, जैसे मुझे 1.5-2 हज़ार प्रॉफिट होता था तो मैं रिस्क ज़्यादा लेता था। तो उसका एक रूल है घनश्याम सर का कि वो अगर 500 या 600 भी प्रॉफिट होता है तो उससे फिर 20% या 30% प्रॉफिट पर ही रिस्क लेना, और अगर जाता है तो जाएगा, अगर आता है तो आएगा। अगर 600 रुपये में अगर 200 रुपये पर मैं रिस्क लेता हूँ तो मेरा लॉस 200 रुपये होगा और बाकी का 400 मैं घर पर ही लेकर जाऊँगा। और अगर मेरे ऐसे 200 रुपये के मैंने दो रिस्क लिए और 400 रुपये मेरे लॉस में कन्वर्ट हो गए, तब भी मैं 200 रुपये प्रॉफिट में रहने वाला हूँ। तो स्ट्रैटेजी भी मुझे अच्छी लगी, ये रूल भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस रूल से मेरा जब भी मैं पहला ट्रेड मुझे 400-500 रुपये प्रॉफिट देता था तो एंड तक मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचा रहता था, और उसकी वजह से मुझे। और क्या होता है, अगर एक बार आप प्रॉफिट में आते हो और उसके बाद अगर लॉस भी होता है तो क्या होता है, हमारा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है और हम फिर तुक्के में ट्रेड लेने लगते हैं, और उससे हमारे छोटे लॉस को हम बड़े लॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी फायदा हुआ मुझे। तो इस महीने में तो हमारा कोई लॉस नहीं है, लॉस हुए थे मेरे लेकिन छोटे छोटे लॉस थे, 150, हाईएस्ट लॉस मेरा 150 रुपये था, 150-200, और प्रॉफिट मेरा 700-850 तक था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो ठीक ठाक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है मार्केट में पैसे कमाने की। फ़िलहाल तो मैं और 6 महीने तक इसी तरह से कमाऊँगा, अगर मुझे 2-3 हज़ार भी मिलता है तब भी मैं ठीक है, और अगर 6 मंथ के बाद मेरा प्रैक्टिस भी अच्छा होगा और फिर मैं थोड़ा कैपिटल भी ज़्यादा लेके आऊँगा और फिर थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा लेंगे, और मैं ऑप्शन नहीं करता। ये देखिए, यहाँ पर एक ही दिन मैंने ऑप्शन किया है और उसमें भी मेरा ज़्यादा कुछ नहीं, 75 रुपये, तो उसमें सब चार्जेस में ही चला गया, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं करता क्योंकि मैं ऑप्शन को होल्ड नहीं कर पाता। तो इस वीडियो में कुछ गलतियाँ दिख रही है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।